হাই সবাই, আমাদের চ্যানেল স্বাগতম, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ওয়েলকাম यार। ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। রিয়াকশন ইয়ে এনার্জি কে সাথ শায়দ দে রাও আপনে কহিন সোনা ভি হো, যে কমান ওয়েলকাম यार, ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। রিয়াকশন গুরু আ গয়ে यार, আ গয়ে। ইতনা ব্যাক মত করো নে কে ফির বো চলে হি জায়ে। চলে জি, আপ আ গয়ে হ্যায় তো चलते हैं एक अच्छी सी वीडियो की तरफ। और ये वीडियो इतना रिक्वेस्टेड था कि हमने कहा कि इसको तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, किसी भी चांस ही नहीं है। तो वाल्टन आईबीयू और डॉक्यूमेंट्री, एक बंदे हैं यार हमारे एक बंदे बांग्लादेश हैं, से बंदे हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने तकरीबन हर वीडियो के नीचे ना ये इसका लिंक उन्होंने कहा इसकी प्रमोशन करनी ही करनी करनी ही है करनी आपने। है। थैंक यू सो मच, इतना उन्होंने वेट किया इस वीडियो के लिए। और इसी हफ्ते हम ये अपलोड करेंगे, पता नहीं किस दिन करेंगे लेकिन करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीक जितनी भी वीडियोज आ रही होंगी ना, उनके नीचे भी इनका यही कमेंट होगा, भाई वाल्टन वाल्टन नहीं भाई, आ वाल्टन गया भाई वीडियो आपका, आ वाल्टन गया। भाई, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग और हमें ये वीडियो सजेस्ट आपके करने के वीडियोस लिए। आते रहते हैं, हम देख लेते हैं उन वीडियोस को, लिंक सजेशंस को, लेकिन इतने सारी रिक्वेस्ट होती है ना। अभी लोग हमें कहते भी हैं कि यार डेली वीडियो आप ना पोस्ट किया करो, डेली भी ना पोस्ट करें तो फिर इतनी रिक्वेस्ट हम किस तरह कर सकेंगे। बिल्कुल, तो कोई नहीं, ट्राई करेंगे कि कुछ बीच की सोल्यूशन हल निकल आए। तो अभी जो है वो चलते हैं वाल्टन और वाल्टन की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं आपके साथ कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो इतने लोग एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए। लेट्स गो टू वाल्टन, लाइव फ्रॉम वाल्टन सिटी। वॉल्टन कंपनी वाल्टन तो हमारे यहाँ भी है ना, पर ये बनती बांग्लादेश में। वाल्टन की मेडिसिंस वॉल्टन हेडक्वार्टर्स, हाईटेक इंडस्ट्रीज। हाईटेक 1977 में स्टार्ट हुई, 700 एकड़, 25,000, क्या बात है, बहुत बड़े है। सेलफोन, अच्छा ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सर। माइक्रोटेक चिप्स बने, मदरबोर्ड एंड चिप्स मेकिंग, सेंसर्स जिन पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, मेम्स माइक्रो सेंसर्स होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे चिप्स होते हैं। सर उनके जोड़ कैसे और इतना कैसे कर माइक्रो लेते मशीनिंग प्रोसेसर्स होते हैं हैं लैपटॉप, इनके लिए माइक्रो मशीनिंग प्रोसेसर्स होते हैं। सारी सिलिकॉन पे बेस्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग, R&D। इंजीनियर्स को R&D का काफी पता होता है। Walton is a vertically integrated manufacturing company and exporter with highest market share in President. And we are now aggressively expanding our global presence and operation by setting up many global sales offices around the world and even R&D as well as design center. I'm quite confident about Walton product, which will satisfy all of you at the maximum level. As the president of International Business Unit of Walton, I'd like to assure you once again, we will be the best, reliable, and sustainable business partner. And lastly, I'd like to sincerely inviting all of potential business partners to come and see our gigantic manufacturing, R&D, as well as quality management facilities to be sure facility of our readiness. सब कुछ ये मेरी फील्ड के हैं सारे। LED, शीट प्लांट देख लो भाई, मैकेनिकल की दुनिया ऐसी होती है। तुम लोग तो बिजनेस मैन ऑफिस में बैठे रहते हो ना, फील्ड में ये काम है। टेलीविजन,
अच्छा हर काम मशीन कैसे देखो, छोटे से छोटा काम। प्रोसेसिंग वर्ड सारे टेक्नोलॉजी इतनी आई है, उतनी जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो कम हो गई है। अब ज़्यादा काम तो टेक का है यहाँ पे, उसको सारा चेक कर रहे हैं, ये टेस्ट हो रहा है, ड्रॉप टेस्ट। एक होती है डीटी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एक होती है एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो हर किस्म के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। कास्टिंग कंप्रेसर लेथ मशीन, रابطہ करो इनसे, तुम्हें भी इंटर्नशिप दे। सही बात है, इनका वैसे इंटर्नशिप का प्लान अगर हो जाए ना एक्सपीरियंस तो एक अच्छा मेरे लिए भी हो जाएगा। यार एक ये पूरा प्लांट सेट करना, आप सोचो कैसे बंदा सेट करता है इतनी मशीन्स। पूरी टीम्स होती है ना एनालिस्ट की, बनाया तो देखो ये मशीन्स को इंसानों ने ही है जो रिक्वायरमेंट को देखती हैं। ये हर कंपनी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर किसी का अलग अलग काम होता है। कोई मैनेजमेंट ईएम ब्रांच होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन से ब्रांच होती है, बहुत सारी होती हैं, डिज़ाइन अलग होती हैं। ये फुल वो ऑटोमेटिक, वाह इसमें आपकी आइसक्रीम इतनी हो तो गर्मियों में मैं इसमें से चीज़ें निकाल के खुद ही बैठ जाऊँ इतनी बड़ी है वहाँ। कॉइल कूलिंग कॉइल जो एयर कंडीशनर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा था। स्क्रू एंड फास्टनर्स बोल्ट्स हो गए, स्क्रूज हो गए, रिवेट्स हो गए, एलईडी लाइट्स जो आजकल टिकटॉक वाले ये इस तरह रिंग वाला, पुलिस की लाइट्स भी बड़ी ऑन। ये जो हमने भी इस तरह का लगाया सारे बल्ब टेस्ट हो रहे हैं, हमने भी इस तरह का लगाया था। वो वाल्टन तो हमने लिया हुआ है जब ही याद आया, वो बॉक्स पड़ा हुआ वाल्टन का, तभी मैं सोच रहा था जाने बचाना बल्ब देख के। होम अप्लायंसेस चूल्हे बन रहे हैं, चूल्हे की ब्रांच पाकिस्तान में भी है कोई, ये देखना पड़ेगा या वहाँ से ही एक्सपोर्ट करते हैं सारा। यह एक डिफरेंट है, मे बी डिफरेंट कंपनी है, वो वॉल्टन की मेडिसिन वगैरह सेल करती है काफ़ी इस्लामाबादी, ये तो सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ब्रांचेस तो इनकी काफ़ी कंट्रीज में, ISO certified National Achievement Award, highest credit.
वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फैक्शन गुरु. वॉल्टन की दुनिया से हम बाहर आ गए. व्हाट अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट्री इट वाज. ये चीज अब मुझे बिल्कुल समझ आई है. मतलब ये तुम्हारे काम की चीज है. ये मेरे काम की फाइनली कोई चीज निकली है यार. कोई वॉल्टन का है ना कोई हेडसेट अगर ये वीडियो देख रहा है तो मेरी सीवी मैं भिजवा देता हूँ. मुझे यहाँ हायर कर लो. ऐसे लवली वीडियो. बहुत बड़े इंजीनियर हैं ये. इनका नाम है शेन गुरु. तो इनको वहाँ पर लें आपको आपकी कंपनी बहुत यूं बूस्ट करके लेके कंपनी का पाकिस्तान में भी एक्सपेंड करा देंगे. यस दैट्स अ गुड आइडिया. 22 करोड़ पीपल विल एंजॉय योर सर्विसेज. ओके जी वॉल्टन की कंपनी आज हमने दे. मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसी कोई बड़ी बहुत बड़ा ब्रांड लग रहा है. और जिस तरह की इक्विपमेंट है और जिस तरह के फैसिलिटीज हैं ऑब्वियसली इट शोज के यार ये लीडिंग ब्रांड है बांग्लादेश में. नजर आ रहा है एम्प्लॉइज 25,000 वहां के. क्वालिटी प्रोडक्शन जिस तरह की मशीनरी वहाँ यूज़ हो रही है सारा कुछ फैसिलिटी जिस तरह मैंने देखी है. क्योंकि मैं तो फील्ड से रिलेटेड हूँ आई कैन अंडरस्टैंड बेटर कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. अली भाई तो खैर बिजनेस माइंड के हैं लेकिन इनका भी बिजनेस माइंड इस चीज़ को देख के ना वो ग्रैब कर रहा होगा कि फैसिलिटीज़ किस तरह की. मतलब सेटअप कैसा होता है पूरा. अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है उससे पहले जाहिर सी बात है हर चीज़ देखनी होती है. और ये चीज़ें देखने के बाद मुझे लग रहा है हमें कुछ भी नहीं अभी तो पता. अभी तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा. और ये तो बहुत खैर हाई लेवल का एक बिल्कुल एक छोटे एंटरप्रेन्योर से हर बल्कि गूगल अमेज़न सब ने वो गैराजों से शुरू किया. आईफोन ने भी जाहिर बात है अपने गैराज से. मैं अपने गैराज में जो है वो गैराज की सीढ़ी गैराज के साथ जो सीढ़ियां हैं ना उधर नीचे एक कैबिन बना ले. कैबिन बना के उसमें बैठ के पूरे दिन पबजी खेलूं और उसको फिर उससे रिलेटेड था. लेकिन आज ये हटके जरा चीज नजर आई कि 25,000 मतलब किसी और कंट्री की इन्वेस्टमेंट लगी है इस पे टोटल. देखो उसके ऑनर प्रेसिडेंट जो है वो बाहर के हैं तो उन्होंने आगे यहाँ इन्वेस्टमेंट और प्लांट लगवाया और उसमें 25,000 अगर आपके बंदे रखे हैं तो उससे पता चलता है कि उनका यहाँ इंटरेस्ट और कितने बड़ी मार्केट है उनको नज़र आया. तो इसी तरह हम और डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे. अब ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा है कि यार फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे बोरिंग लगता है देखते हुए लेकिन कुछ चीज़ें समझ आ रही हों तो फिर तो अच्छा लगता है. और ये समझने वाला था ये मुझे तो बहुत मज़ा आया. मतलब ये चीज़ इसलिए थी कि आप ज़रा सीखनी पड़ेंगी ये सब ये चीज़ें ना देख के लर्निंग कर्व है यार. हमें रिएक्शन गुरु चैनल से ये बड़ा फ़ायदा होता है कि हम चीज़ें सीखते बहुत हैं ना. वैसे तो अपॉर्चुनिटीज़ सीखने की हर जगह ही अवेलेबल होती हैं लेकिन इंटरेस्ट की बात है. लेकिन रिएक्शन गुरु चैनल के थ्रू अब डिफरेंट कल्चर्स की इतनी चीज़ें पता चली हैं. बिल्कुल. तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप हमारी चीज़ें एंजॉय करते हैं हम आपकी चीज़ें एंजॉय करते हैं. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस. बिल्कुल इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा के जो आपने क्या करना है और वीडियोस को सजेशन में डालते रहना है नीचे कमेंट सेक्शन में. हम आपके वीडियोस करते रहेंगे रोज. इसी तरह जो है कुछ सीखेंगे कुछ सिखाएंगे और मज़े करेंगे इसी चैनल पे रिएक्शन गुरु. मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.